नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। धान की खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे किसानों को तारीख पर तारीख मिली तो खफा। किसानों ने हरियाणा भाजपा जजपा विधायकों के घर का घेराव करने का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में जहां किसानों ने विधायक असीम गोयल के घर का घेराव किया, तो वहीं अंबाला कैंट की बुहाना मंडी के कार्यालय पर किसानों ने ताला जड़ दिया। इस मौके पर जिला प्रधान मलकीत सिंह व अन्य किसान नेता, किसान व मजदूर भारी मात्रा में मार्केट कमेटी के बाहर मौजूद रहे और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर DSP राम कुमार की अगुवाई में भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मलकी सिंह ने कहा कि सरकार धान की खरीद को लेकर तारीख पर तारीख दे रही है। पहले 25 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर और अब 11 अक्टूबर का टाइम दे दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। किसान अपनी फसल को कहाँ लेकर जाए? उन्होंने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं कि हमारी फसल की खरीद जल्द से जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी के चलते पूरे हरियाणा में विधायकों के घरों के आगे धान की ट्रालियां खड़ी करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री की तबीयत खराब होने के चलते उनके घर का घेराव करने का फैसला स्थगित कर दिया गया है। आज ये जीरे की खरीद को लेके जो पहली तारीख को खरीद होनी थी, पहले 25 का प्रोग्राम दिया था दिशा चौटाला ने, ये 25 को खरीद करेंगे। 25 से फिर पहली दे दी अक्टूबर, और फिर पहली अक्टूबर को रात को ही फरमान जारी कर दिया भी नहीं 11 तारीख से खरीद शुरू करेंगे। तो ये भद्दा मजाक किसानों के साथ किया जा रहा है। और जो धान की फसल है वो पक के तैयार है, 20 दिन से मंडी में भी आ रही है, मंडियाँ भरी पड़ी हैं धान की, किसान कहाँ ले जाएगा इसको धान को। तो इसका आज हम विरोध कर रहे हैं कि ये खरीद हमारी जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि जीरी तो तैयार है ना। जीरी को हम रोक खेत में रोक सकते हैं ना घर रोक सकते हैं, वो मंडी में आएगी जब भी तैयार होगी। तो इसलिए आज ये विरोध कर रहे हैं कि हमारी खरीद जल्दी से जल्दी आनी चाहिए और किसान को अपना फसल बेचने का टाइम मिलना चाहिए। पूरे हरियाणा के विधायकों के घर के आगे हमने जीरी की ट्रालियाँ खड़ी करने का प्रोग्राम किया हुआ है, और अम्बाड़ा में असीम गोयल की कोठी पर शायद पहुंच भी गए हों किसान, हम भी जाएंगे वहां फिर। और बीच साहब का जरा हमने ऐसे वो दाखिल हैं हॉस्पिटल में बीमार हैं, इसलिए हमने उसको आज हमने स्थगित कर दिया है। तो इसलिए और पूरे हरियाणा में ऐसे ही प्रोग्राम है आज सारे हरियाणा में, अम्बाड़े में भी हर एक मार्केट कमेटी के दफ्तर पर प्रोग्राम है, हर एक मंडी में जहाँ मार्केट कमेटी का दफ्तर है हमारे किसान बैठे हैं, ऐसे ही विरोध कर रहे हैं सब। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो दिल्ली में जिनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, उसकी तरफ से कॉल थी जब ये पैडी की जो प्रोक्योरमेंट का था वो 1 तारीख से जो खरीद होनी थी वो 11 तारीख से कर दी, उसके प्रति इनमें रोष है। और उनकी बात करने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, ADC साहब आ रहे हैं, वो इनसे बात करके जो भी बात होगी आगे जो इनके आंदोलन की रूपरेखा रहेगी उस हिसाब से चलेंगे। किसान भी शांतिपूर्ण बैठे हैं, हम भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ हैं, बातचीत करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, जो भी काम निपट जाए। बोर्ड का इनका ताला लगाया है इन्होंने, अभी इनसे बात करेंगे, जो भी प्रक्रिया अभी उसी हिसाब से खुलवाया जाएगा शांतिपूर्ण। उम्मीद भी दुनिया कायम है। नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। खरीद जो है वो पहले 1 तारीख से होनी थी, तो सरकार द्वारा वो उसकी तारीख बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है, 11 अक्टूबर। तो उस सिलसिले में किसान यूनियन के द्वारा आज मार्केट कमेटी का घेराव किया गया है और मार्केट कमेटी के ऑफिस पे ताला लगा दिया गया है। हम ये किसानों का जो मैसेज है सरकार तक, ऊपर तक, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुँचाएंगे,
कि सरकार किसान यूनियन के द्वारा कमेटी का आज घेराव किया गया है इसके सिलसिले में, ताकि ये खरीद जल्दी आ सके।